तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं फ्री में यूट्यूब चैनल बेसिक फोटोशॉप की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ओ टूल के बारे में, कैसे आप ओ टूल को यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या वर्क होता है। ये बहुत ही अच्छा टूल है, प्लीज़ आप इसको जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो है इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको कोई मुझसे बात करनी है, कोई जानकारी लेनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं ओ टूल के बारे में, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या उसका काम होता है, क्या उसका वर्क होता है। तो जैसे कि आपको बताया, मैं फोटोशॉप CS2 यूज करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक फोटो जो है ओपन कर लेना है इसके अंदर, और मैं इसके अंदर पहले एक फोटो कोई भी ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं इस फोटो को जो है इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमको हमें इसके अंदर करना है, हमें सीखना है आज कि आप ओ टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। ये टूल है जिसका नाम है बर्न टूल, ठीक है, बर्न टूल। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए आपसे मैं एक बात बता दूँ, कई बार ऐसा होता है हमारे फोटो बहुत धुंधले से होते हैं, बहुत मतलब उसमें ऐसा लगता है जैसे कोहरा सा, यानी मतलब धुंधले धुंधले से होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये फोटो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धुंधला फोटो है। तो आप इसके ये जो धुंधला से दिखाई दे रहा है इसको आप कैसे, देखिए कई तरीके से सही कर सकते हैं। वैसे तो आप कई तरह से कंट्रास्ट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर Ctrl+L करके आप कंट्रास्ट डाल सकते हैं, Ctrl+M करके आप कर्व से ब्लेवर से डाल सकते हैं, कर्व से डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओ टूल की, बर्न टूल की। आप इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओ दबा के डायरेक्टली इसका मूव जो है ऊपर होता है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप सिंपल हर चीज़ की यहाँ पर, हर टूल की यहाँ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये डिफॉल्ट जो होता है ये यहाँ पर 100% होता है, ये ठीक है। तो ये 100% होता है यहाँ पर, अगर आप इसे 100% पे चलाएंगे तो देखिए कितना काम करेगा, देखिए बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा काम करेगा ये, देखिए ठीक है। तो देखिए कितने चेंजेस आ गई है फोटो पर, देख सकते हैं आप कंट्रास्ट कितना ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पर हमें 100% की बहुत कम जरूरत पड़ती है, हम इसको यूज़ करेंगे, हम इसको कम से कम यूज़ करें क्योंकि, और अधिकतर ये कपड़ों पर चलाने के लिए होता है, फेस पर थोड़ा कम चलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे 20 कर लेता हूँ, ठीक है, 20 कर लिया, 20 एंटर कर दिया, मैं यहाँ पर चलाता हूँ कपड़ों पर, देखिए भाई तो ये काफ़ी फर्क पड़ने वाला है इससे। आप ब्रैकेट के बटन से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ठीक है, यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और फेस पे भी थोड़ा वो चला सकते हैं अगर कंट्रास्ट आपको चाहिए तो, ठीक है। और ये देखिएगा काफ़ी अच्छा हो गया है ये, और अगर आप 100% पे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये जो है फोटो को डार्क कर देगा, बड़ा करके ये देखिएगा, जितना आप 100% पे चलाएंगे उतना फोटो को ब्लैक करता जाएगा, डार्क करता जाएगा, देख सकते हैं आप ये कितना सा काला सा कर दिया फोटो को, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने बता दिया आपको, इससे आप कंट्रास्ट कैसे डाल सकते हैं, आप इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि बहुत सारे फोटो आपके जो है ब्लैक से होते हैं तो आप इसी टूल से व्हाइट रंग भी डाल सकते हैं। आप कैसे उसको डालेंगे, देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके आप एक तो बर्न टूल है, यहाँ पर ऐसा टूल है, तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे चेंज करने के लिए, देखिए सिंपली आपको क्या करना होता है, शिफ्ट दबा के और ये ओ दबा दिया होता है, ठीक है, ओ, तो यहाँ पर ही चेंज हो गया, देखिए ओपेसिटी की इसकी फ्लो भी चेंज हो गई, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो अगर इसको यूज़ करेंगे 50% पर तो ये देखिएगा यहाँ पर ये वाइट हो जाएगा, वाइट हो रहा है, वाइट हो रहा है, देखिए वाइट हो रहा, ब्लैक होता जा रहा, पूरा ब्लैक हो गया वाइट, मतलब इसमें डाल रहा है वाइटनेस, वो तो कलर तो नहीं आएंगे बट वाइटनेस डाल रहा है, इसलिए फेस पे चलाने के लिए होता है, सॉरी कपड़ों पे चलाने के लिए होता है, बाई चांस हमारे कपड़े जो थोड़ा डार्क होते हैं तो आप वहाँ पर भी चला सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सही कर दिए, ये देखिए
तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा टूल है। कोई दिक्कत अगर आती है तो बता दीजिएगा। ढूंढे फोटो पर अधिकतर यूज होता है, और भी आप यूज कर सकते हैं इसको। और कोई तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक है तो बता दीजिएगा, मैं आपकी वीडियो ले आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।